कल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना और इससे पहले ही समाजवादी पार्टी की एक चिट्ठी चर्चा में आ गई है जो कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी गई। समाजवादी पार्टी ने पोलिंग बूथ पर बुर्काधारी मुस्लिम महिला वोटर्स की चेकिंग पर आपत्ति जाहिर की है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर नकाब उठाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की जाती थी जिससे महिलाएं भयभीत हुई और बिना मताधिकार का प्रयोग किए पोलिंग बूथ से वापस लौट गईं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मतदान केंद्र पर चेकिंग का अधिकार सिर्फ मतदान अधिकारी का है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि चुनाव के दिन पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच न करें। तो निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी जिसमें ये अपील की गई है कि मुस्लिम महिला वोटर्स की पुलिस चेकिंग ना हो, सिर्फ निर्वाचन अधिकारी को ये अधिकार, जो मतदान के समय अधिकारी है उनको ये अधिकार दिया जाए। पुलिस चेकिंग से भयभीत हो जाती है मुस्लिम महिला वोटर्स और ऐसे में कई अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना वापस लौट जाती है। पुलिस को वोटर्स की चेकिंग का अधिकार ही नहीं है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो समाजवादी पार्टी की चिट्ठी है आशीष, अब एन पहले चुनाव क्या ही है, इस पर क्या अमल में इसे लाया जा सकता है, कोई दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है इसके बाबत? बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से ये चिट्ठी आई है, साफ तौर से इससे पहले आरोप लगता रहा कि जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं वो फर्जी वोटिंग करती आई है, इस तरीके की बातें पिछली बार भी कहती जाती रही है लोकसभा चुनाव में। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उसका एक बड़ा वोट बैंक है और इस बार भी जिन 9 सीटों पर जब चुनाव है तो वहां पर अगर हम मान के चले तो मीरापुर से लेकर सीसामऊ तक यानी कुंदरकी और खैर तक ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और वहां पर आरोप अब समाजवादी पार्टी ये लगा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को वोट करने नहीं दिया जाता है, पुलिस वहां पर उनकी चेकिंग करती है बुर्का हटाकर और उनके नकाब उतार कर। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी डाउन होता है जिससे सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो सीटें हार जाती है। लेकिन इस बार सीधे चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं की बुर्का नशी जो होती है उनकी चेकिंग पुलिस बिल्कुल भी ना करे और ऐसे में उनको वोट डालने दिया जाए जिससे कि वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत दर्ज कर सकेगी। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि पूरा मामला है और जिसको लेकर साफ तौर से आयोग को ये चिट्ठी लिखी है समाजवादी पार्टी ने और मांग की है इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस को रोका जाए ऐसी महिलाओं के खिलाफ उनको वोट डालने से। ठीक है।